सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से रो रहा था। पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल का कहना खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां जलने लगी पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे। खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों की आग से उसे जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था। पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक आदमी वहां से भागने लगा। पर तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है?
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया, पर अचानक उसे एक बात याद आई। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर भी जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो... और खाना। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी, और आपके पैर जल रहे हैं। मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। बच्चा भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंज रही थी। एक गांव में एक डॉक्टर था जो बहुत ही अच्छा इलाज करता था। गांव का हर एक आदमी उसी के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाता था। गांव में ही उसका छोटा सा क्लिनिक था। एक दिन भोजा नाम का एक आदमी अपनी बीवी को जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पर ले आया। उसकी बीवी का एक्सीडेंट होने के कारण बहुत खून बह रहा था और वो मरने की कगार पर थी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए, बहुत खून बह रहा है इसका। क्या हुआ इसे, इतना खून क्यों बह रहा है? साहब, हम कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और हम दोनों से टकरा गई। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर इसका बहुत खून बहने लगा, इसलिए मैं जल्दी से इसे आपके पास लेकर आया। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए प्लीज। अरे अरे, तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो, मैं देखता हूँ। डॉक्टर ने भोजा की बीवी का इलाज करना शुरू कर दिया। भोजा बहुत ही घबराया हुआ था। डॉक्टर ने जैसे तैसे खून का बहना रोक दिया और जल्दी से भोजा के पास आया। देखो भोजा, मैंने खून को तो रोक दिया है, पर इसका पूरा इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। तुम्हें इसे शहर ले जाना होगा और बड़े अस्पताल में इसका इलाज करवाना होगा। साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर शहर ले जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो? बात को समझो, यहाँ मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं, और अगर इसे यही रखा तो शायद इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं साहब,
मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। ये लो, ये कुछ पैसे रखो, जब तुम्हारी बीवी ठीक हो जाए तो बाद में मुझे लौटा देना। अब जाओ, जल्दी करो, इसकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने दिए हुए पैसे लेकर भोजा अपनी बीवी को शहर ले जाने के लिए निकल पड़ा, पर गाड़ी में जाते जाते आधे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। भोजा वहीं अपने बीवी के पास जोर जोर से रोता रहा। उसी रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से किसी ने आवाज दी, डॉक्टर साहब। इतनी रात को बाहर से आवाज आने के कारण डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक पल के लिए वो डर गए। अंधेरे में कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर शरीर से वो एक आदमी जैसा लग रहा था। डॉक्टर ने उसे आवाज दी, कौन है? वो आदमी कुछ नहीं बोला। डॉक्टर और भी डर गए। डर की वजह से वो दो कदम पीछे चले गए। मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम चोरी के इरादे से आए हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अचानक उस शांति को चीरते हुए एक आवाज आई, मैं चोर नहीं, भोजा हूँ। भोजा, तुम हो? अरे मैं तो डर ही गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी कैसी है? मेरी बीवी मर गई साहब। अरे पर ये हुआ कैसे? तुम तो उसे शहर ले गए थे ना? भोजा एकदम से उठा और चिल्लाते हुए डॉक्टर के सामने गया। शहर तक नहीं पहुंच पाई वो, रास्ते में ही दम तोड़ दिया उस बेचारी ने, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भोजा गुस्से से पागल हो रहा था, उसके दिमाग पर खून सवार था। भोजा तुम शांति से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं, और ये मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मर गई, अगर तुमने यहाँ उसका इलाज कर दिया होता तो वो आज जिंदा होती। एक मामूली सी जान नहीं बचा सकते तो क्या फायदा इस अस्पताल का? ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ सारे उपकरण नहीं है, और उसके बिना। चुप, एकदम चुप। तुमने मेरी बीवी को मारा है, उसकी हत्या की है। तुम जैसे हत्यारे को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। भोजा ने टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और डॉक्टर के पेट में घुसा दिया। डॉक्टर जोर से चिल्लाया, मेरी बीवी भी इसी तरह चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें उसी के पास भेज रहा हूँ, ऊपर जाकर उससे माफी मांगो। अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है, वरना इसी तरह नरक में सड़ते रहो। ने एक और बार डॉक्टर के पेट में वार किया। डॉक्टर चिल्ला के तड़प तड़प कर मर गया। भोजा चाकू वहीं फेंक कर क्लिनिक का दरवाजा बंद करके चला गया। भोजा थका हारा अपने घर आया और रोता रहा। बाहर बहुत तूफानी बारिश होने लगी। अचानक से किसी ने भोजा के घर का दरवाजा खटखटाया। भोजा डर गया। इतनी रात को कौन आया होगा? कहीं पुलिस को तो पता नहीं चल गया? नहीं, पुलिस को कैसे पता चल सकता है, अभी तो रात है और सुबह तक तो डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा। दरवाजा खोला, फिर से तो सामने छाता लिए एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा छाते के नीचे छिपा हुआ था। कौन है भाई, क्या चाहिए? भोजा आप ही है? मैं ही हूँ, आप कौन? मुझे आपकी बीवी ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। ये क्या बात कर रहे हो, मेरी बीवी मर चुकी है, वो तुम्हें कैसे भेज सकती है? आपने ही तो मुझे आपकी बीवी के पास माफी मांगने के लिए भेजा था ना, तो मैं उसका जवाब लेकर आया हूँ। भोजा डर गया। उस आदमी ने छाता नीचे किया और अंदर आने लगा। भोजा ने देखा कि वो डॉक्टर था जो उसके घर आया था। उसके पेट पर वो दो चाकू के निशान वैसे ही थे। डॉक्टर साहब, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मारा था, फिर ये सब कैसे हो सकता है? मेरी कोई गलती ना होते हुए भी तुमने मुझे मारा,
अब मैं इसका बदला लेने आया हूं। भोजा डर कर घर में भागने लगा। डॉक्टर भी उसके पीछे गया। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरे हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी ऊपर जाकर मैंने तुम्हारी बीवी से बात की, उसे तुम्हारी हरकत के बारे में बताया, उससे माफी भी मांगी, पर उसने मुझे कहा कि भोजा को उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक भूत हो। डॉक्टर भोजा की तरफ आने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। डॉक्टर ने अपना छाता खोला तो उसमें से बहुत सारे इंजेक्शन नीचे गिरे जो खून से भरे हुए थे। अभी तुम्हारे इस गंदे और गलत दिमाग का इलाज करता हूं मैं। तुम्हारी बीवी ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूं। नहीं नहीं, मुझे माफ करो। डॉक्टर ने नीचे पड़े हुए इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन उठाया और भोजा के गले में घुसा दिया। डॉक्टर ने पूरा खून उसके गले में छोड़ दिया और इंजेक्शन वापस नहीं निकाला। भोजा दर्द के मारे जोर से चिल्लाया और नीचे गिरने लगा। जहां डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, भोजा की वो जगह नीली पड़ गई। एक एक करके डॉक्टर ने सारे इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा दिए। भोजा का पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़ गया और नीचे गिरकर थर थर कांपने लगा। भोजा को ऐसा देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने वही चाकू निकाला जिससे उसकी हत्या हुई थी। उसने वो चाकू भोजा के पेट में घुसा दिया और उसकी आतड़ियां बाहर निकाल दी। भोजा दर्द के मारे चिल्लाने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। आज के बाद अगर किसी ने डॉक्टर पर बिना वजह हाथ उठाया तो मैं उसका इलाज इसी तरह से करूंगा। भोजा, चलो अपनी बीवी के पास, वो तुम्हें मिलने के लिए तरस रही है। डॉक्टर ने भोजा की लाश को उठाया और वहां से निकल गया। एक दिन गांव में मेला लगा था। उसमें बहुत सारी चीजों की दुकानें लगी हुई थी। मेले में बहुत भीड़ थी और उसी में सारिका और उसकी बेटी प्रिया भी घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दोनों थक गए और गन्ने का शरबत पीने के लिए रुक गए। शरबत की दुकान के बाजू में ही खिलौनों की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें तरह तरह के छोटे बड़े खिलौने थे। प्रिया का ध्यान उस दुकान में रखी हुई एक गुड़िया पर गया। वो गुड़िया बाकी सारी गुड़ियों से अलग और बड़ी दिख रही थी। प्रिया का ध्यान उस गुड़िया पर ही था। वो उसे देख रही थी और अचानक गुड़िया प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिया भी उस गुड़िया को देखकर मुस्कुराने लगी। गुड़िया ने सिर हिला के प्रिया को अपने पास बुलाया और प्रिया ने भी उसकी बात मानकर शरबत का ग्लास नीचे रखा और उसके पास चली गई। प्रिया ने गुड़िया को हाथ में उठाया और उसे सहलाने लगी। प्रिया को अपने पास ना पाकर सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! सारिका की आवाज सुनकर प्रिया ने खिलौनों की दुकान से आवाज लगाई। माँ, मैं यहाँ हूँ। सारिका दौड़ती हुई उस दुकान में गई। कितनी घबरा गई थी मैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ, ये गुड़िया देखो ना, कितनी खूबसूरत है। ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बुला भी रही थी। मुझे ये चाहिए। सारिका ने गुड़िया की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था।
फिर उसने मुस्कुराकर प्रिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, ले लेते हैं। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। भाई साहब, इस गुड़िया के कितने हुए? जी 50 रुपए। सारिका ने उसे पैसे दिए और दोनों उस दुकान से निकल पड़े। गुड़िया फिर से हंसने लगी, पर इस बार उसकी हंसी कुछ डरावनी लग रही थी। सारिका और प्रिया अपने घर पहुंचे। घर आते ही प्रिया ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। प्रिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके साथ खेलना। चलो, रख दो उस गुड़िया को और जाकर पढ़ाई करो। प्रिया ने नाखुश होकर गुड़िया को एक जगह पर रखा और किताबें लाने के लिए अपने कमरे में चली गई। प्रिया के जाने के बाद गुड़िया ने अपनी मुंडी सारिका की तरफ घुमाई और गुस्से से उसे देखने लगी। गुड़िया की आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। प्रिया को आता देख गुड़िया फिर शांत हो गई। रात को मैं इस गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। ठीक है, अब पढ़ाई करो। रात हो गई थी और प्रिया के पापा रंजीत भी अपने काम से वापस आ गए। पापा के आते ही प्रिया ने पढ़ाई बंद की और उन्हें गुड़िया दिखाने लगी। पापा, ये देखो, हमने नई गुड़िया खरीदी। रंजीत वो गुड़िया देखकर गुस्सा हो गया और सारिका को आवाज देने लगा। सारिका, सारिका, बाहर आओ। सारिका दौड़ती हुई बाहर आई। क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रंजीत ने गुस्से में वो गुड़िया जोर से फेंक दी और इस वजह से उस गुड़िया की मुंडी टूट गई। दोनों को जकड़ता देख प्रिया रोने लगी और दौड़कर गुड़िया के पास चली गई। टूटी हुई गुड़िया को लेकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद सारिका प्रिया को खाना खाने के लिए बुलाने आई। प्रिया बेटा, चलो खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रिया ने खाने से साफ इनकार कर दिया। गुड़िया टूटने की वजह से वो बहुत रो रही थी और रोते रोते बिना कुछ खाए गुड़िया को अपने पास रखकर सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। सारिका और रंजीत अपने कमरे में सो रहे थे। प्रिया भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से गुड़िया की आंखें चमकने लगी और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया की पकड़ से बाहर आई और अपने आप चलने लगी। उसकी टूटी हुई मुंडी उसने अपने हाथ में पकड़ी थी। चलते चलते वो प्रिया के कमरे से बाहर आई और सारिका और रंजीत के कमरे में जाने लगी। गुड़िया उन दोनों के कमरे में आ गई। उसने अपना एक हाथ खड़ा किया और उन दोनों को हवा में उठा लिया। जैसे ही वो छत तक पहुंचे गुड़िया ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो जोर से जमीन पर आ गिरे। दोनों नींद से जाग गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में सारिका का ध्यान गुड़िया की तरफ गया और उसे देखकर वो डर गई। वो गुड़िया अपनी मुंडी अपने एक हाथ में लिए खड़ी थी। ये कहां से आ गई और अपने आप खड़ी है? रंजीत गुस्से में गुड़िया उठाने के लिए गया, पर वो गुड़िया इतनी भारी हो गई थी कि रंजीत पूरा जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो गुड़िया उससे हिल भी नहीं रही थी। आखिरकार गुड़िया को गुस्सा आया और उसने
रंजीत को जोर से बिजली का झटका दिया। झटके से रंजीत दूर जाकर गिरा। तुमने मेरी प्रिया को रुलाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया ने रंजीत की छाती पर छलांग लगाई। गुड़िया का वजन रंजीत को सहन नहीं हो रहा था। वो रंजीत की छाती पर अपने पैर पटकने लगी। जैसे जैसे गुड़िया की मार बढ़ती गई, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और थोड़ी ही देर में रंजीत की मौत हो गई। सारिका मौत का ये सारा नजारा कोने में रोते हुए देख रही थी। गुड़िया रंजीत को मारने के बाद सारिका की तरफ बढ़ने लगी। गुड़िया को आता देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। मुझे कुछ मत करो, प्रिया का मेरे सिवा कोई नहीं है, हमें छोड़ दो। प्रिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब से मैं प्रिया का ख्याल रखूंगी। गुड़िया अपने हाथों से बिजली निकाल कर सारिका पर बरसाने लगी। उस बिजली के झटके को सारिका सह नहीं पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों को मारने के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाकर सो गई।